कनाडा में पिछले दिनों में हुआ वो बहुत निंदनीय है और जो पंजाबी खासतौर पे कनाडा से जुड़े हुए हैं तो दूसरा घर ही मानते हैं उसको भी, वहां भी बहुत पंजाब बसते हैं सरी में और टोरंटो में, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई ऐसी हिंसक घटनाएं हों वहां पे। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि वो कनाडा सरकार के साथ ये बात करे और जो भी एक्शन लेना है उसके लिए भारत सरकार जो कनाडा सरकार से बात करे ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो और सर्वत पला मंगन वाले लोग पूरी दुनिया के बसते हैं तो शांतमई लोग हाँ साडा कोई इदा जिथे जाने अपनी मेहनत न अपना मुकाम बनाने। सो इस तरह दया गल जो कोई गलों को करते हैं तो उदे सारे पंजाबियों की वो नहीं हो जाती कि वह सारे अहजे हो गए। सो मैं सख्त शब्दों से निखेधी भी करदा जो कनेडा के घटना हुई है और मोदी सरकार तो मंग करदा कि वह कनेडा सरकार ना गल करके ताकि भविख दे विच क्योंकि दोने समुदाय अपनी ताकि भविख दे विच यह जी घटना कोई हो ना हो तो यह मैं अज तुहाडे सामने जी रखनी सी और बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। तुसीं क्वेश्चन जां कोई बाद च कर लिओ। मैं उही कहा कि देखो साडे लई तां दूजे घर वांगू है हां वो आउंदे आ ब्याह शादियां करन वी इत्थे आउंदे आ त्यौहार मनाउण आउंदे आ उहनां करके बहुत सारे लखां चुल्हे वी इत्थे चलदे आ हां ब्रेड बिनर्स ने उह पर इसे करके मैं कहना कि जिहड़ा संबंध भी ठीक रहने चाहिए और गलबात भी जिहड़ी फैडरल गवर्नमेंट के लैवल ते दूजी गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखो ये तो उन्हां दी राजनीति वो जानन पर इन्ना पता कि आपां तुसी तां आप इस इलाके नूं बिलोंग करदे बहुत हर पिंड दे विच्चों हर का मतलब लगभग दूजे तीजे घर चो कोई ना कोई साडे तां राजनीतिक उह तां जे कोई धर्म दी राजनीति करदे आ तां गलत है खास तौर ते उन्हां मुल्कां च तां उम्मीद कीती नहीं जा सकदी।